अखंड राजपूताना सेवा संघ का विस्तार और आज का कर्मवीर पुरस्कार मुंबई का तीसरा संस्करण, इस विषय में प्रेस क्लब सिविल लाइन नागपुर में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान अखंड राजपूताना सेवा संघ की विदर्भ प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। ठाकुर अजय सिंह गौर राष्ट्रीय संगठन सचिव व प्रभारी विदर्भ प्रांत, ठाकुर आनंद सिंह बैस विदर्भ प्रांतीय अध्यक्ष, वीरांगना एकता मिथुन सिंह गहरवार विदर्भ प्रांतीय महासचिव, ठाकुर अतुल सिंह चौहान जिलाध्यक्ष, ठाकुर दिनेश सिंह चौहान जिला महासचिव, मिथुन सिंह गहरवार नागपुर जिला उपाध्यक्ष, इस तरह से पदभार सौंपा गया। देखिए, मेरा नाम ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश है। मैं अखंड राजपूताना सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विदर्भ हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण एक प्रांत है और हमने महाराष्ट्र में हमारा संगठन मुंबई में स्थापित है। आज के समय में हम लोग देश के 14 स्टेट में बहुत ही अच्छी तरह से एस्टेब्लिश्ड हैं और 14 देश के में हम लोग अपनी हमेशा समाज के लिए जो भी होता है उसके लिए खड़े रहते हैं। अभी हमारा एक पत्रिका निकलती है आज का कर्मवीर, और उसी के माध्यम से हम एक देश में कर्म को महत्व देने के लिए, जो अपने आप विपरीत परिस्थितियों में भी लड़के अगर अपने सफलता प्राप्त करते हैं उनको किस तरह से प्रतिस्थापित किया जाए, उसी लिए हमने आज का कर्मवीर अवार्ड शुरू किया है। ये तीसरा संस्करण है और मुझे ये करने में बहुत खुशी हो रही है कि तीसरा संस्करण में हम अब इसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ में गल्फ से लोग जुड़े हुए हैं, यूरोप से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जर्मनी से जुड़े हुए हैं। इसकी एडवाइजरी जो बन रही है वो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, विश्व के लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। मुंबई में 8 दिसंबर को गरवारे क्लब में इसका शाम को आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से लोग एकत्रित होंगे और प्रतिभा को सम्मानित करेंगे। सम्मान पाते हुए लोग उनको देखने वाले भी होंगे और इस तरह से ये होगा। और अखंड राजपूताना सेवा संघ देश का एकमात्र संगठन है जो राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करता है, 15, 16, 17 अक्टूबर को ही अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में ये वहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मैं पूरे देश में अपने सभी संगठन के प्रमुख जिलों में जाके या शहर में जाके अपने लोगों को मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं। इस दौरान अखंड राजपूताना सेवा संघ के घर घर रामायण हर घर रामायण अभियान के तहत रामचरितमानस का वितरण किया गया। वहीं आगामी 8 दिसंबर 2023 को मुंबई में देश विदेश के अलग अलग क्षेत्र से कर्मवीरों को पुरस्कृत करने के लिए आज का कर्मवीर अवार्ड आयोजन किया जा रहा है। आज का कर्मवीर अवार्ड के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने जानकारी साझा की। साथ ही समाज व देश हित में अखंड राजपूताना सेवा संघ हमेशा तत्पर रहने की बात कही। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।